आप सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का यूपीएस न्यूज 24 में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की ओर। आपको बता दें बुंदेलखंड के अंतर्गत जनपद जालौन में मनाया गया बुढ़वा मंगल पर्व। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष यहां बड़े ही धूमधाम से बुढ़वा मंगल पर्व मनाया जाता है। बुढ़वा मंगल पर्व पर मंदिरों में होने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए ताकि दर्शनार्थियों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए जिससे संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि बुढ़वा मंगल पर्व पर मंदिरों को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। यहां पर काफी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहां पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रहती है। यहां के पुजारियों का मानना है कि आज ही के दिन मंगलवार को यहां पर पूजा अर्चना करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भी लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हर खबर हर सच्चाई सबसे पहले। यहाँ पर लगभग 350 साल से चल रहा है और ये बड़ा पुण्य का दिन होता है। आज ये भाटपट में आखिरी मंगल को मेला भरा जाता है। यहाँ पर यहाँ पर तहसील क्षेत्र के देहात गांव पड़े जाते हैं, यहाँ के श्रद्धालु आते हैं और लगभग 20,000 आदमी की भीड़ सुबह से शाम तक रहती है। आज ये भाट पक्ष के अंतिम मंगलवार को ये यहाँ पर बुढ़वा मंगल का मेला लगता है और यहाँ पर क्षेत्र के और नगर के हजारों व्यक्ति यहाँ के दर्शन करते हैं और अपना पुण्य लाभ काम प्राप्त करते हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ पर जो भी आता श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं भगवान के सामने। तो आखिरी भादों का मंगल पड़ता है, उसमें जो है मेला का उत्सव प्रसाद का यहाँ इतनी अपार भीड़ होती है और सारे गांव के लोग नगर के लोग ऐसे पूरी व्यवस्था करते हैं, भक्तगणों की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, प्रवचनों की व्यवस्था करते हैं। वो पृथ्वीराज के टाइम का स्थान है, तभी से मनाया जाता साहब। तो यहाँ तो साहब जो है जो नहीं कही जा सकती, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, पूरे जालौन जिला के तो आते ही है। आज भैया साहब बुढ़ा मंगल का महत्व, एक बार भगवान ने मीटिंग की, अपनी एक सभा बुलाई, उसमें सब देवता आए, हनुमान जी भी थोड़े लेट में आए। तो हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी के सारे शरीर में सफ़ेद बाल दिखाई दिए, दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद दिखाई दिए। तो उस दिन मंगलवार था, तो देवताओं ने कहा हनुमान जी को वृद्धावस्था समझ में आ रही है और हनुमान जी का उत्सव मनाया जाए। वो भादों का आखिरी मंगल था और आखिरी मंगल के साथ हनुमान जी का आज उत्सव मनाया गया। हनुमान जी का धूप दीप आरती की गई, हवन इत्यादि किए, सुंदरकांड के पाठ सुनाए गए। इसी उपलक्ष्य में ये बुढ़वा मंगल का उत्सव हम लोग मना रहे हैं और हजारों वर्षों से इसको मनाते चले आ रहे हैं और ये लाखों की संख्या में खड़ेसी हनुमान जी, खड़ेसी हनुमान जी, खड़ेसी बाबा की सिद्धिपीठ पर यह ऐसा मेला लगता रहता है भादों के आखिरी मंगल में।